अगर आपकी एक्सट्रीम 160R के बारे में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषि गोसाई। तो मैं आज बात करने वाला हूँ हीरो की एक्सट्रीम 160R के बारे में। हीरो की 160R अभी इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई बाइक, काफ़ी अच्छी बाइक के टॉप स्पीड वगैरह सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक्सट्रीम के बारे में। हीरो कंपनी ने अब इंडियन मार्केट में अब उनकी एक स्ट्रीट फाइटर बाइक लॉन्च कर दी, जिसका नाम है हीरो एक्सट्रीम 160R। बाइक को देख रहे हो, पूरी तरह से बाइक में चेंजेस आ गए हैं। ये बाइक एक नए रूप से इंडियन मार्केट में हीरो ने लॉन्च कर दी। आपको इसमें पूरी तरह से LED इंडिकेटर, LED हेडलाइट और नया 3D लोगो देखने में मिलता है। और ये बाइक में काफ़ी प्रीमियम पार्ट्स हीरो ने पहली बार यूज़ किए। बाइक का एग्जॉस्ट भी काफ़ी स्पोर्टी है। बाइक का टेल लाइट देखो, बाइक के पीछे के इंडिकेटर्स देखो, बाइक पूरी तरह से आपको एक स्टाइलिश लुक देती है। बाइक के पीछे वाले सेक्शन और भी प्रीमियम देखने को मिलता है, जिसमें आपको हीरो कंपनी के सिंबल जैसा टेल लाइट मिलता है और बाइक को LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। जिस तरह से इस बाइक का लुक प्रीमियम है, उस तरह से इस बाइक के फीचर्स भी काफ़ी प्रीमियम है। इसमें आपको पहली बार मिल रहा है इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन, यानी कि FI, जिसमें आपको 14 सेंसर मिलते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, जिससे आपकी माइलेज भी काफ़ी अच्छी आएगी। बाइक का कंसोल भी काफ़ी अच्छा मिलता है, आपको पूरी तरह से LED कंसोल मिलता है, जिसमें आपको RPM, स्पीड लिमिट, 2 ट्रिप मीटर्स मिलते हैं और एक ओडोमीटर मिलता है। उसके बाद में फ्यूल इंडिकेटर्स मिलते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स आपको बाइक के मीटर में मिलते हैं। उसके बाद में अब आपको मिलते ही हैजर्ड लाइट्स का ऑप्शन। बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको मिलता है 160cc एयर कूल्ड इंजन, जिसकी पावर है 15 BHP, यानी कि आपको यामा FZ से काफ़ी अच्छी पावर इस बाइक में देखने को मिलती है। बाइक का मेन परफॉर्मेंस डिपेंड रहता है बाइक के वेट पर। बाइक का वेट है 138.5 किलो, यानी काफ़ी कम वेट इस बाइक का है, जिसके तरह से आपको काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा मिल सकता है। बाइक 0 to 60 जाती है 4.7 सेकेंड में। बाइक आती है डायमंड फ्रेम के साथ, जिसकी वजह से बाइक काफ़ी तरह से स्टेबल रहेगी, बैलेंस रहेगी। उसके बाद बाइक में आता है आपको सिंगल चैनल ABS, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है। बाइक के ब्रेक्स काफ़ी बड़े हैं। बाइक में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक डबल डिस्क ब्रेक और सेकंड जो रहता है वो आगे में डिस्क ब्रेक और पीछे में ड्रम ब्रेक। उसके बाद में आपको मिलते हैं पीछे में 130mm के रेडियल वाइड टायर्स, जो काफ़ी अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड करेंगे। बाइक के सस्पेंशन काफ़ी प्रीमियम में 37mm की शोवा सस्पेंशन इस बाइक में आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है इंडियन रोड्स के लिए। उसके बाद में पीछे का जो सस्पेंशन है वो 7 स्टेप एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक आपको इस बाइक में मिलता है। बाइक काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे बनाई है। बाइक के अर्गोनॉमिक्स भी काफ़ी अच्छे है। जो एक्सट्रीम 160R है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें आपको मिलता है 160cc इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 15 BHP पावर 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। ये बाइक को इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी बाइक है। आप आपके नज़दीक के हीरो डीलरशिप से बाइक की टेस्ट राइड कर सकते हो। बाइक में आज जो आपको माइलेज आती है वो आती है, बाइक में माइलेज आपको करीब करीब 45 to 50 के बीच में आपको माइलेज देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छी बात है हीरो की तरफ से। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपकी एक्सट्रीम 160R के बारे में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।